नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईमेल हैकिंग के पीछे रूस को ठहराया जिम्मेदार। अमेरिका में सबसे ज्यादा नौकरियां देने और ड्रग्स तस्करी रोकने के लिए मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने का किया वादा। दक्षिण कोरिया का दावा, उत्तरी कोरिया के पास है 10 परमाणु बनाने का प्लूटोनियम। अब तक 5 परमाणु परीक्षण और कई मिसाइलें प्रक्षेपित कर चुका है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के खिलाफ अमेरिका की सख्त कार्रवाई। मानवाधिकार उल्लंघन और सेंसरशिप के तहत 7 अधिकारियों पर लगाया प्रतिबंध। प्रतिबंधित किए गए अधिकारियों में किम जोंग उन की छोटी बहन किम वॉन होंग भी शामिल। म्यांमार में उपचुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 60 दिनों की अवधि की निर्धारित। 30 जनवरी से शुरू होगा चुनाव प्रचार। उपचुनाव में 24 राजनीतिक दलों के 95 उम्मीदवार होंगे आमने सामने। आईएसएस के खिलाफ फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की हुंकार। सीरिया में आईएस के गढ़ों पर दोबारा कब्जा फ्रांस की प्राथमिकता। आईएस के खिलाफ गठबंधन सेना में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश है फ्रांस। और चीन में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार सख्त। पर्यावरण संरक्षण कानून का उल्लंघन करने के मामले में 720 लोग गिरफ्तार। 2,18,00,000 का जुर्माना भी लगाया। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।